अपन के माध्यम से कहा गया कि शिक्षक का मूल कार्य बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है, ना कि अन्य कार्यों को करना, जिसकी वजह से विद्यार्थियों की शिक्षा बाधित होती है। शिक्षक को बीएलओ से कार्य से मुक्त कर शिक्षण कार्य में ही लगा रहे। इस अवसर पर अनार सिंह, बाबूलाल मीणा, रामनिवास गुज्जर, कैलाश चंद मीणा, सुनील भैरवा, प्रभुलाल मीणा, रमेश चंद भैरवा, कन्हैयालाल भागचंद गुज्जर, भागचंद मीणा, रवि वर्मा, लादूलाल भैरवा, प्रहलाद लाल भैरवा, रवि प्रकाश दादी, फरुद्दीन खान, मंगल राम मीणा, राम कल्याण गुज्जर आदि मौजूद रहे अध्यापक। निवाई टॉक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट, राजस्थान से खबर। मैं बनवारीलाल भैरवा, बीएलओ 160। प्लीज आपकी मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि एक बीएलओ का एक पद सृजित कर रखा, पद सृजित नहीं, जबरदस्ती एक पद पे शिक्षकों वर्ग को लगाया गया, थोपा गया जबरदस्ती। तो उसपे जो शिक्षक का मूल अध्ययन अध्यापन का कार्य है, उनसे हमें भ्रमित करके के मतदाता सूचियों कभी आधार करवाते हैं, कभी सर्वे का कार्य करवाते हैं, कभी कोरोना का कार्य करवाते हैं, कभी पालन आहार योजना की सूचना मांगते हैं, कभी पैसा ये शौचालय की सूचना मांगते हैं, कभी इंदिरा आवास की सूचना मांगते हैं, कभी गर्भवती औरतों की सूचना मांगते हैं। ऐसे अनर्गल कार्य हमसे करवाए, जैसे हम शिक्षक होने के नाते हमारा मूल कार्य अध्ययन अध्यापन करा के हमारे बच्चों की गुणवत्ता में सुधार लाना, बच्चों का भविष्य निर्माण, की बच्चे आने वाले राष्ट्र के निर्माता है और हम शिक्षक राष्ट्र निर्माता, तो हमारा जो ध्येय है उसे हमें भ्रमित कर रहे हैं। गरीबी जो बच्चे हैं आम स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़े लिखे जो पैसे वाले उनके बच्चे सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर हम अध्ययन अध्यापन करवाते हैं गरीब बच्चों को, वह शिक्षा से वंचित होते। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो बीएलओ का हमसे अनर्गल कार्य करवा रहा है, इसके लिए 12 डिपार्टमेंट है। आरटी के तहत 2009 में जब आरटी कानून आया उसमें 27 आर्टिकल एक कहता है कि आप ये कार्य नहीं करोगे, अन्य कार्य, फिर भी हमसे जबरदस्ती कार्य करा। इसके विरोध में हम आरटी मोदी को ज्ञापन देने आए हैं और हमारी मुख्य मांग ये है कि हमें बीएलओ कार्य से शिक्षकों को पूर्ण रूप से मुक्त करके पंचायत सहायकों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, संविदा कार्मिकों, एनएम को, पटवारी को या अन्य कार्यरत कर्मचारी है ब्लॉक पर, उपखंड पर या ब्लॉक पर या पंचायत हेडक्वार्टर पर, उनसे कार्य करें। हमारी रूपरेखा क्या है, या तो हमारी मांगों पर निर्वाचन विभाग या शिक्षा मंत्री मोदी के नाम हमने लिखा है, हमारी मांगों पर या तो निराकरण करते हैं, हमें बीएलओ से मुक्त करते हैं, पहली मांग यही है, हम और कुछ चाहते ही नहीं करते हैं, तो इसका प्रदेश स्तर पर हम विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पर हमारी जो मतदाता सूचियाँ एक साथ एक मुश्त ला करके पूरे बीएलओ हर बीएलओ एक ऐसा वर्ग है जो कहीं अस्तित्व में नहीं है, फिर भी हमें शिक्षक के का जो मूल कार्य होता है उससे हटा करके और इसे अनलगल कामों में लगा करके और हमारी जो मूल कार्य है उससे हमें भटका दिया गया है और प्रशासन का इतना दबाव रहता है कि हम अपने मूल कार्य से बिल्कुल वंचित होकर के इस कार्य को करने लग जाते हैं। कारण क्या है कि हमें कभी सस्पेंड होने की धमकी देते हैं, कभी हमें एपीओ करने की धमकी देते हैं, कभी नोटिस निकालते हैं, तो इन सब से निजात पाने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित होकर के एक ज्ञापन हमने एसडीएम मोदी के नाम दिया है कि हमें बीएलओ कार्य से पूर्ण रूप से मुक्ति दी जाए। हमें हमारी और कोई मांग नहीं है, ना हमें कोई भत्ता।